हे गाइस वेलकम बैक। रियलमी 10 सीरीज लॉन्च हो चुकी है, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। इसके लिए जो पहला स्मार्टफोन है वो लॉन्च हो चुका है, रियलमी 10 प्रो प्लस 5G। अब कितना प्रो प्लस है ये सबको डिटेल में बात करेंगे। लुक्स काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है गाइस, कवर्ड स्क्रीन देखने को मिलती है, पीछे की तरफ को प्लास्टिक बैग देखने को मिलती है। जो 9 प्रो प्लस तक है उसके अंदर आपको ग्लास बैग देखने को मिलती है, इसके अंदर आपको प्लास्टिक बैग देखने को मिलती है, थोड़ा सा माइनस पॉइंट कह सकते हो। एंड उसके अंदर आपको 4.5 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, बट इसके अंदर आपको प्लस पॉइंट है 5 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। और साथ में इसके अंदर आपको एक बड़ा डिस्प्ले 6.7 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि एक अमोलेड डिस्प्ले गाइस। एंड इसके अंदर 120Hz का एक फास्ट रिफ्रेश रेट, 360 का टच सैंपलिंग रेट भी इसके अंदर मिलता है। साथ में गाइस ये 10 प्रो भी है, इसकी भी अनबॉक्सिंग जल्दी लेके आने वाला हूँ मैं। एंड इसके अंदर आपको जो ब्राइटनेस देखो मिलता है 950 nits ब्राइटनेस देखो, जो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखो मिलते हैं गाइस। कवर्ड स्क्रीन है गाइस, पीछे की तरफ आपको जो बैक देखने को मिलेगा गाइस काफ़ी अच्छा है गाइस, जिसके ऊपर रोशनी पड़ती गाइस और बहुत सारे कलर्स देखने को मिलते हैं इसके अंदर आपको। एंड बॉक्स के अंदर आपको USB टाइप A2C केबल देखने को मिलती है, USB टाइप C2A केबल देखने को मिलती है। एंड इसके अंदर आपको 80W का चार्जर देखने को मिलता है बॉक्स के अंदर, और बैटरी 5000mAh की एक बड़ी बैटरी, बट चार्जर गाइस फोन है गाइस C7W के चार्जर को ही सपोर्ट करता है। बॉक्स अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी केस देखने मिलता है, वेट के बाद कुछ ज़्यादा हैवी नहीं गाइस, 177 ग्राम का वेट देखने मिलता है, जो काफ़ी अच्छा है। स्किन टू बॉडी रेशियो के बाद 93% स्किन टू बॉडी रेशियो देखने मिलता है। एंड स्किन आपको माइनस पॉइंट ये गाइस, स्किन आपको हेडफोन जैक देखने नहीं मिलते हैं और NFC भी देखने को नहीं मिलता है। और प्लस पॉइंट ये गाइस, स्किन आपको 11 बैंड 5G का सपोर्ट भी मिलता है, और साथ में इसके अंदर एक अच्छा प्लस पॉइंट ESDS 5G देखने मिलता है। अब दोनों ही सिम के अंदर 5G यूज़ करते हो, जो कि ये अच्छा एक प्लस पॉइंट इसके अंदर आपको। और माइनस पॉइंट ये भी गाइस, इसके अंदर IP रेटिंग नहीं देखने मिलती। बट गाइस प्रोसेसर की ओर, स्किन आपको जो प्रोसेसर मिलता है MediaTek का Dimensity 8080 प्रोसेसर मिलता है, जो कि 6 nm प्रोसेसर है, जो ठीक ठाक है गाइस। इसे 3 वेरिएंट के साथ लॉन्च है, 6128, 8128 और 8256। जो रैम देखो मिलती है इसके अंदर आपको LPDDR4X देखो मिलती है। जो स्टोरेज है इफेक्स 2.2 देखो मिलता है इसके अंदर आपको। जो अंतु स्कोर देखो मिलता है गाइस 5 लाख के आसपास अंतु स्कोर देखो मिलता है। जो गेमिंग परफॉर्मेंस रहने वाला है यहाँ पे, हाई टू मीडियम सिटी पर गेमिंग कर सकते हो गाइस, CGI वीडियो में कोई भी सारे गेमिंग आप कर सकते हो। एंड इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंग के ना फेस अनलॉक गाइस दोनों अच्छी तरीके से काम करते हैं, इंस्टेंसली काम करते हैं। बट गाइस OS की और इसके अंदर आपको जो OS देखो मिलता है Realme UI 4.0, जो कि बेस्ड होगा Android 13 के साथ आउटो बॉक्स देखो मिलता है। माइनस पॉइंट ये गाइस, इसके अंदर आपको भर भर के बोट देखो मिलते हैं, पिन स्टोर देखो मिलते गाइस काफ़ी ज़्यादा देखो मिलते हैं गाइस, जो कि मेरे अकॉर्डिंग माइनस पॉइंट है। एंड इसके अंदर गाइस आपको 8GB एक्चुअल रैम भी देखो मिलती है, साथ में इसके अंदर वाइल्ड 11 का सपोर्ट मिलता है। बट गाइस आप भी काफ़ी टाइम से वेट करो कैमरा का गाइस, बढ़ते गाइस कैमरा की ओर, इसके अंदर को जो कैमरा ट्रिपल कैमरा से लॉन्च किया गया, जो फर्स्ट जो कैमरा है 108 MP का प्राइमरी कैमरा है गाइस, जिसके अंदर सैमसंग का HM6 सेंसर देखो मिलता है। जो लास्ट ईयर गाइस 9 प्रो प्लस था उसके अंदर आपको 50 MP का सोनी के सेंसर को मिलता है, जिसके अंदर आपको OIS USB सपोर्ट देखो मिलता है, बट इसके अंदर आपको EIS का सपोर्ट देखो मिलता है। ये कुछ माइनस पॉइंट है गाइस, आप जो लॉन्च किया था उससे कुछ बेटर कीजिए, बट उससे कम मत जाइए, ये थोड़ा माइनस पॉइंट है। एंड इसके आपको 8 MP अल्ट्रावायलेट देखो मिलता है, 2 MP का माइक्रो देखो मिलता है, ओवरऑल ठीक ठाक है गाइस देखो मिलते हैं। LED फ्लैश है, रियलमी की ब्रांडिंग देखो मिलती है। फ्रंट के अंदर आपको 60 MP सेल्फी कैमरा मिलता है, जो कि ओवरऑल वो भी ठीक है गाइस। एंड इसके अंदर आपको नीचे की तरफ स्टीरियो स्पीकर मिलता है, ऊपर नीचे की तरफ स्पीकर गिल है। अब बताइए इसकी प्राइसिंग की, और क्या इसकी प्राइसिंग रहने वाली गाइस, इसकी जो बेस वेरिएंट की जो प्राइसिंग रहने वाली गाइस 23,000 के आसपास रहने वाली, 24,000 मान लीजिए गाइस। और 8128 की जो प्राइस रहने 26,000 और 8256 जो रहने 20,000 वाली। आप मुझे बताइए रियलमी 10 प्रो प्लस आपको कितना प्रो लगता है, कितना प्लस लगता है, कमेंट जरूर करें गाइस। आई होप मेरे अकॉर्डिंग गाइस ठीक है गाइस, ज़्यादा ये भी नहीं कह सकते बहुत अच्छा है, बट ये एक ठीक ठाक फोन है। आई होप हमारे वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद है वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।